हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो है दिल्ली से लेकर और नैनीताल से थोड़ा सा पहले, मतलब भीमताल तक की मेरी जर्नी है आज। और ठंड इतनी ज़्यादा है, और मैं आपको बता दूं आज है 9 जनवरी 2024। और इस जर्नी के पीछे एक कहानी है, वो मैं बता दूँ आपको, क्योंकि 9 जनवरी 2023 को ही मैं अपने बेटे से अलग हुआ था किसी कारणवश। और मैंने उस टाइम कुछ बोला था कि मुझे एक साल बाद, जब एक साल हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहा, जो मेरी मेंटेलिटी है, सोच है, अगर उस हिसाब से सब कुछ चला, तो मैं एक साल बाद भीमताल जाऊंगा। भीमताल थोड़ा सा आगे जाना है, मैं वहां जाऊंगा। जो कि सब कुछ जैसे जैसे प्रोसेस होना था सब कुछ वैसे ही हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूँ, ठंड इतनी ज़्यादा है दिल्ली में यहाँ पर। ये देखिए, मैंने दो शर्ट पहन रखी है, अंदर इनर है, डबल इनर है, अंदर एक जैकेट ये है, और एक जैकेट अभी बाइक में है। दो जैकेट पहन के जाऊँगा और आपको पूरा रोड मैप दिखाऊँगा कि किस तरह से आप वहाँ तक जा सकते हो। लेकिन अब मुझे इतना पता है, जो मैंने अभी तक स्टडी की है, कि बहुत हाइट पर है वो जगह, मतलब पहाड़ी इलाका है, बहुत हाइट पर है। अब बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और डरावने रास्ते होते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने जो बोला था कि मैं जाऊँगा, और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार तो मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं जाऊँगा तो अपने बेटे को साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि उसके लिए बोला था मैंने। लेकिन कि हाँ, ये हो जाए तो दोनों साथ चलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं होकर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं। अगली बार उसको लेकर जाऊंगा बेटा, फिर दोनों बाप बेटा जाएंगे पहाड़ों पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बाकी रोड पर दिखाऊंगा किस तरह से रोड है कहाँ, क्योंकि लंबा रास्ता में है, तो मैं यहाँ दिल्ली से लेकर वहाँ तक की तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि लगभग 500 किलोमीटर का रास्ता है, और 500 किलोमीटर मुझे 6 घंटे में कवर करना है। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो इसलिए लगभग बज रहे हैं 7, 7:30 बज रही हैं। तो मैं निकलता हूँ अपना 7:05, 12, 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, और फिर देखते हैं, आपको वहीं पर जाके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। मैं दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो कितनी ज़्यादा कोहरा है, ये पूरा हाईवे देख रहा है, ये जो हाईवे है ये पूरा ठंड इतनी ज़्यादा है कि मतलब मेरा हाथ भी कहाँ गया। ये देख रहे हैं, और ये है मेरी बाइक, और ये बंधा हुआ है देखिए बैग पीछे, जिसमें कि कंबल वगैरह है। ठीक है, ये बिल्कुल हाईवे देखे अभी। तो दोस्तों अभी जिस तरह से आप देख सकते हो, हम आ चुके हैं बिल्कुल पहाड़ी एरिया में, और अभी क्या है ना, हम ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ों पर, और काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, इसलिए मैंने वीडियो काफ़ी लेट शुरू किया था। और अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ये जो रास्ते हैं ये बहुत ख़तरनाक है, मतलब बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, और इन पर चलाते ज़्यादा डर लग रहा है, पहाड़ कितने ऊँचे ऊँचे सामने चलाते टाइम इन पर बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अब देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं ड्राइव करता हूँ। और ये जो मैंने शूट किया है दोस्तों, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइट से शूट किया है, नीचे मुझे थोड़ी प्लेन एरिया दिखी इसलिए मैंने उसे शूट कर लेता हूँ। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुँच चुके हैं नीम करोली बाबा के मंदिर में, और ये बाहर से मैंने वीडियो बनाया कि अंदर अलाउ नहीं है मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जाना, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा एक बाहर से ही वीडियो बनाकर आपको शेयर करूँगा। तो मैं यहाँ विज़िट करके अब मैं रिटर्न होने वाला हूँ। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ से रिटर्न होने लगा हूँ कि वहाँ भीड़ जा रही थी, ज़्यादा टाइम वहाँ रुक नहीं सकते थे। तो यहाँ से रिटर्न होते टाइम मैं आपको बता दूँ, यहाँ ढाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बाइक है वो बिना स्टार्ट किए चलती है, और स्पीड भी अच्छी खासी चल जाती है यहाँ पर, मतलब बिना स्टार्ट करे काफ़ी तेज़ यहाँ पर गाड़ी चलने लगती है। आप देख सकते हैं कि जो बाइक की चाबी है वो बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी स्पीड लगभग 30-40 के आसपास है, और ये ज़्यादा होती है वो तो मुझे कंट्रोल करनी पड़ रही थी।
और ये जो आप यहाँ पर पानी का इतना बड़ा तालाब सा देख रहे हैं, इसी को भीमताल बोलते हैं। ये दरअसल में क्या है ना, चारों तरफ इसके पहाड़ हैं और बीच में ये तालाब बना हुआ है पूरा, और इसमें काफ़ी बोटिंग वगैरह होती है, लेकिन मैंने तो कभी आज तक की नहीं है और मैं अकेला था तो इसलिए वो सब चीज़ें होती भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ रुक कर थोड़ा शूट कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक तरह का तालाब है पूरा का पूरा, और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पिछले एक साल से ना तो मैंने हेयर कट कराए हैं, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि एक साल तक मुझे क्या क्या नहीं करना है, ना ही मैंने हेयर कट कराए हैं, और ना ही कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी होगी, और ना ही कुछ लोगों ने मेरी शक्ल देखी होगी। लेकिन अब ये एक साल हो चुका है तो जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो नाउ एवरीथिंग विल बी बैक।